हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इतने सारे जो है साड़ीज़ जो कि अंडर 200 रुपीज़ है। तो मतलब 200 से स्टार्ट है, और जो भी मतलब साड़ी का जो प्राइस है यहाँ पर मेंशन कर दूंगी मैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं हमारे पहले पार्सल की तरफ जो कि ये है। एंड मुझे ये जो पार्सल है ना, ये रिसीव हुआ था कुछ इस तरीके से। मतलब मुझे जो पिक्चर शो हुई थी वो कुछ ऐसा हुई थी। अब देखते हैं ये ऐसी आई है या नहीं आई है। तो चलिए, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर दिया कीजिए। और तरीके से करेंगे हम इसको ओपन और देखते हैं कि इसमें सेम प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने ये अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किए थे, आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो रिलेटेड पिक्चर्स का कुछ लग तो रहा है मैचिंग का, बट देखते हैं इसका कपड़ा। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर डिफेक्ट दिख गया, ओपन करने से पहले ही मुझे यहाँ पर डिफेक्ट दिख गया। ये देख सकते हैं, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। तो जो कपड़ा है बहुत बेकार है, कलर तो मुझे सही लगा लेकिन कपड़ा बहुत बेकार है। ये देख सकते हैं, ये किसी एंगल से लग ही नहीं रहा कि साड़ी का कपड़ा होगा। और ये साड़ी लगेगी कैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, बहुत अजीब सा। मतलब इससे अच्छा तो लोग शादी बारात में दे देते हैं। ये देख सकते हैं, काफ़ी बेकार सा कपड़ा है, बहुत छनावा सा। ये देख सकते हैं, तो किसी भी एंगल से ये साड़ी लग ही नहीं रही है। एंड इसका जो ऑल ओवर लुक है ना, ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो ऐसे कैसे है। बाकी इसमें देखते हैं ब्लाउज का कपड़ा है या नहीं है, पता ही नहीं चल रहा मुझे इस साड़ी का कि कैसा है क्या है। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ये भेजा है मीशो ने एक साड़ी के नाम पर। और बाकी मैं इसको थोड़ा कोशिश करती हूँ लगाने की, मुझे तो लगता नहीं है कि ये मुझसे लगेगी। और ये देख सकते हैं, बहुत बेकार है, बहुत बेकार। तो इसको मैं एकदम 0 नंबर दूंगी, 0। ये देख सकते हैं, ऐसी कोई साड़ी होती है? ये देखिए, ये साड़ी लगते लगते ना हमें तीसरी पीढ़ी याद आ जाएगी अपनी, ये साड़ी कैसी लगेगी। तो चलिए इसको साइड करते हैं। और गाइज, मुझे ना देख के बहुत गंदा लगा कि जो फर्स्ट वाली साड़ी थी ना, उसी में जो है मीशो ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। जो दिखा रखी थी पिक्चर में बहुत प्यारी जॉर्जेट वाली साड़ी दिखा रखी थी, लेकिन ये देखो कैसा रिसीव हुआ। ये तो मतलब किसी भी हालत में नहीं लगने वाली, एकदम कचरा बोलते हैं ना जिसको, वो कचरा सामान भेज दिया मीशो ने। और मतलब बहुत दिनों से बहुत अच्छे पार्सल आ रहे थे, बट इसे देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि। और अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्सल की तरफ जो कि है, देखते हैं। और ये वाला जो है हमें रिसीव हुआ था कुछ इस मतलब पिक्चर शो हुई थी कुछ इस तरीके से हुई थी। अब देखते हैं ये कैसे निकलता है। तो चलिए, मीशो और धोखा ना करे ऐसे तो मैं मान ही नहीं सकती। एंड वाओ, जब मैं इसको देख रही हूँ ना ओपन करके, बहुत प्यारी। मतलब जो कपड़ा और कलर है ना, हाय एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। ये मुझे पिक्चर में ही बहुत पसंद आई थी। एंड एक तो इस पर सबसे पहले मुझे ये दाग दिख गया, ये देखो ये दाग दिख गया। तो बाकी कलर वाइज तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। एंड कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, जॉर्जेट का कपड़ा है, ये देखिए। और वो जो पहले दाग दिख गया ना मुझे इसमें, तो उससे थोड़ा सा मुझे मेरा मन खराब हो रहा है। बाकी ये रहा ब्लाउज का कपड़ा जो कि मुझे लग रहा है काफी कम है। ये देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कम ही है इतना ही इन्होंने डबल फोल्ड में दे रखा है। और उसमें जो वर्क दिया दिया दे रखा ना, इस तरीके का है। और बाकी साड़ी का लुक ये रहा, ये साड़ी के बॉर्डर में ये देख सकते हैं इस तरीके से है। आई थिंक मैंने उल्टी पकड़ी है। ये देखिए इस तरीके का, ये एक लेस से कर रखा है इन्होंने बॉर्डर। और बाकी अभी इसमें जब फॉल वगैरह लगेगा तो फिर इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा। कलर वाइज और कपड़े के हिसाब से बहुत प्यारी है, बट ये जो दाग है ना इसमें, एक
ये देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एंड चारों तरफ हो रखी है, ये लेस वाला जो वर्क है ना ये चारों तरफ हो रखा है, बाकी ये लगा के बहुत सुंदर लगेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको ट्राई करती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, और तब आपको बताती हूँ। कपड़ा एक बार क्लोजली देख लो आप लोग, ये रहा कपड़ा, तो ये मुझे अच्छी लगी। अगर ये दाग नहीं होता इसमें तो बहुत प्यारी थी, इतना सा दाग है, वैसे वो छुप सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ये वाली जो साड़ी है ना, इससे देख के इतनी कूल कूल फीलिंग आ रही है ना, बहुत ही प्यारी। और मैंने ये साड़ी बस नॉर्मली ऐसी कुर्ती के ऊपर ही बांधी है, क्योंकि ब्लाउज वगैरह तो इन सब के थे नहीं, अभी बनवाने हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा जो है मैं ट्राई कर देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये लगाने के बाद कैसी लग रही है। एंड बहुत प्यारी साड़ी है, इसमें बस एक हल्का सा डिफेक्ट था, अदरवाइज ये बहुत प्यारी साड़ी है। तो छोटे मोटे डिफेक्ट के लिए जो रिटर्न वाला एक्सचेंज वाला ऑप्शन है वो भी है, तो वो आप कर सकते हो, एंड इस प्राइस में ना बहुत। तो गाइज आपने देखा कि वाली साड़ी पहन के कैसी लग रही है। अगर आपको परचेस करनी है तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑल प्रोडक्ट के लिंक दे दूंगी, तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ, और जो कि है ये काफी बड़ा जो करते हैं, इसमें से पहली तो निकली है ये वाली साड़ी, जो कि बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे। इसका भी जो कपड़ा है ना वो भी जॉर्जेट का है और बहुत सुंदर है। वाओ ये वाली साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, ये देख सकते हैं कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है। जैसे गर्ल्स लोगों को चाहिए होता है ना, जैसे फेयरवेल के लिए या फिर मतलब कहीं जाना होता है साड़ी पहननी होती है, तो सही है। ब्लाउज का कपड़ा इसका बेकार है, मतलब अच्छा नहीं है, ये दरदरा सा कपड़ा है, ऐसे इसके अंदर अस्तर लगेगा। और साइड पे ये सिल्वर कलर की ये लाइनिंग दे रखी है, देखिए बाकी साड़ी बहुत खूबसूरत है, ये देख सकते हैं बहुत प्यारी साड़ी है। साड़ी का जो कपड़ा है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगा, एंड साड़ी का जो कलर है वो भी बहुत खूबसूरत है, ये देख सकते हैं बहुत ही मस्त है ये साड़ी, देख सकते हो बहुत प्यारी, और इस वाले प्राइस में तो काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, देख सकते हैं बहुत प्यारी। तो चलो फटाफट से हम इसको ट्राई करके देखते हैं, एंड मेरे पास तो ऐसा ब्लाउज भी नहीं है, तो फिर पता नहीं कैसे मैं किस चीज़ के साथ इसको वेयर करूँगी, बट जैसे भी होगा इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि लगाने के बाद इसका जो लुक है वो कैसे आ ये रहा है। वाली जो साड़ी है ना बहुत प्यारी है, लाइट वेट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे जैसे फेयरवेल वगैरह में गर्ल्स लोगों को चाहिए होती है ना, तो इसके साथ ही सिल्वर कलर का ब्लाउज जाएगा, एंड बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारी, लुक भी बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। तो मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई, बहुत ही, और कलर तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है ना कि आपको जो कलर पसंद है आप वो मंगवा सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको पसंद है उस तरीके से। है तो चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का दूसरा कलर, जो कि इसी में पैक दिखा, तो ये है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर तो किसको पसंद नहीं होता आप लोग ये बताओ, गर्ल्स की पहली चॉइस होती है ब्लैक कलर, ये देख सकते हैं सेम, सिर्फ कलर ब्लैक है, बाकी ब्लाउज का भी जो कलर है वो वही है सिल्वर, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, और लाइट वेट है, आप इसको कहीं भी कैसे भी कैरी कर सकते हो। ब्लैक कलर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं ऐसे करूँगी इसी कुर्ती के साथ कोशिश करूँगी इसको लगाने की, तो देखते हैं कैसे लगता है ये, ठीक है, देख सकते हैं बहुत प्यारी। और इसमें भी ये जो सिल्वर कलर की वो हो रखी है ना, मतलब बॉर्डरिंग हो रखी है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे ये ब्लैक कलर की साड़ी। तो चलो इसको वेयर करते हैं एंड फिर देखते हैं कि ये कैसे लगती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे, क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ वीडियो की क्लियरिटी की वजह से, देख सकते हैं बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, जॉर्जेट का कपड़ा है, एक बार आप क्लोज अप देख लो। तो चलो इसको भी हम साइड रख, तो जो इससे पहले वाली साड़ी थी ना ये उसी का एक कलर है, और ब्लैक कलर भी इसमें बहुत अच्छा लग रहा था, जो गर्ल्स लोग होती हैं उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है, जैसे फेयरवेल हो गया, नॉर्मल छोटी मोटी जैसे साड़ी वगैरह कहीं पे आपको करनी है तो मतलब ये कर सकते हो, इसके साथ भी सिल्वर कलर का ब्लाउज आएगा, और ब्लाउज का जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना दरदरा टाइप का, वैसा है, तो आप चाहो तो दूसरा बना सकते हो, एंड जो प्राइस के हिसाब से बहुत प्यारी है इस प्राइस में ये साड़ी। आप पता है मार्केट में अगर आप
भी साड़ी लेने जाओगे ना तो 800-900 तक की आपको ये आराम से पड़ेगी, 800-900 तक की। और मीशो पे तो उतने में आप 3-4 खरीद लेते हो, बस थोड़ा सा ध्यान से शॉपिंग करनी होती है। मीशो पे हैं और खोलते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल। और नेक्स्ट पार्सल में ये देखिए क्या है इसके अंदर, भगवान जाने इसकी जो पिक्चर है कुछ ऐसे दिखी थी मुझे, तो देखो कैसे निकलता है ये। तो मैंने यही सोचा था कि आप लोगों के सामने ही मैं इसको ओपन करूंगी। एंड इसमें दो क्यों आए हैं? अच्छा, मैंने मुझे लग रहा है मैंने गलती से दो कर दी, इसकी क्वांटिटी दो कर दी। अब देखने में बहुत चीप सा कपड़ा लग रहा है ये, बाकी खोल के क्या पता कैसे लगे। देख सकते दो मिल गए ये देखिए, और कपड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन, पर हाँ सही है यार, ठीक है। वैसे जैसे मम्मी लोग पहनते हैं ना डेली यूज में, उस टाइप में है ये देखिए। अच्छा, ये वो धागे वाली साड़ी है ऐसे मार्केट में मिलती है ना लूज, ये देखिए ये देख सकते हैं इन पे धागा लगा हुआ है। धागा खोलने के बाद भाई ये बहुत सस्ती साड़ी है, ये मुझे लग रहा है मिल गई है, 100-150 रुपए की आ जाती है आराम से। बट इसका जो ये प्रिंट है ना ये काफी अच्छा है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये बटरफ्लाई वाला लुक, ये देखिए। और कपड़ा कुछ खास नहीं है बट जब इसमें फॉल लगेगा ना तो डेली यूज में जो लोग साड़ी पहनते हैं उनके लिए सही है, आप इसमें कलर दूसरा ट्राई कर सकते हो, ये देख सकते हैं सही है ये देखिए। पर प्राइस मुझे लग रहा है महंगा है, मार्केट में ये सस्ती मिल जाती है, ये देख सकते हैं ये देखिए। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसके साथ जो ब्लाउज दे रखा ना ये पिंक कलर का ब्लाउज है, और इन ब्लाउज के साथ वैसे भी अस्तर लगाना पड़ता है, तो ब्लाउज ठीक है पतले लोगों के लिए तो ठीक ही है ब्लाउज का ये। और इसमें पता नहीं क्या लिख रखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलो इसका दूसरा दूसरा क्या देखना, दूसरा सेम ऐसी है तो इसको भी हम साइड रखते हैं और पहले इसको मैं ट्राई कर लेती हूँ कि ये कैसी लग रही है। वैसे बिना फॉल के ये कुछ ज्यादा अच्छी तो लगेगी नहीं, बट फिर भी देखते हैं। तो चलो ये साड़ी ना पता कैसी है, जैसे लेडीज लोग डेली यूज में वेयर करते हैं ना, बहुत लाइट वेट है, प्रिंटेड है, एंड इसका जो प्रिंट है ना काफी अच्छा है, इसमें कलर भी और है, और मतलब बहुत सस्ती सी हल्की सी साड़ी है। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे अगले पार्सल की तरफ, और अगला पार्सल ये है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या रिसीव होता है। इसकी जो पिक्चर है कुछ ऐसे रिसीव हुई, ऐसे शो हुई थी, तो अभी देखो ये कैसा लगता है। यार मैंने इतने सारे ब्लैक 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 पता नहीं क्यों मंगवा लिए, हे भगवान। मैं कार्ट करते टाइम मुझे कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि मैं सारे ब्लैक क्यों मंगवा रही हूँ। वैसे ये ब्लैक तो नहीं है, ग्रे है, ठीक ठाक ही है। इसमें बड़ा सा जो एक बॉर्डर दे रखा है, जो मैंने पहन रखा वो भी ब्लैक ही है, बड़ा सा एक बॉर्डर है इस तरीके से। गर्ल्स लुक में ये साड़ी काफ़ी सही है, एंड इसका कपड़ा भी ठीक है, अच्छा है। जो पहली वाली दिखाई थी ना उसका कपड़ा बेकार था, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं। बॉर्डर बहुत सुंदर है, इसमें अगर फॉल ना भी लगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है ना हैवी है, फॉल से भी ज़्यादा हैवी है, और पूरी साड़ी में है ये, जहाँ से मतलब फॉल स्टार्ट होता है ना पूरी साड़ी में है, ये देख सकते हैं। बाकी इतना बचा है ये ब्लाउज का कपड़ा ऐसे, और ब्लाउज का कपड़ा भी ठीक ही है, दरदरा जो चुभने वाला कपड़ा होता है ना वैसा है, तो आप लोग दूसरा ही ट्राई करना मार्केट से। बाकी कलर जो है साड़ी का वो ये देख सकते हैं, मैं एक बार देखती हूँ कि ये कैसे लगेगी, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आएगा इस साड़ी का, ये देख सकते हैं। बाकी मैं इसको लगा के जो है आप लोगों को एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि ये लगाने के बाद कैसी लगती है, फिर आप लोग जो है इसको खरीदना होगा तो लिंक दे दूंगी मैं। इसके बाद ये आ जाती है ग्रे साड़ी, तो इसमें मुझे मैंने पता नहीं क्यों ये ग्रे कलर मंगवाया, अदरवाइज इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे कलर्स के, तो आप अपने हिसाब से मंगवा सकते हो। इसका ये जो बॉर्डर है ना इसमें मतलब अगर आप फॉल ना भी लगवाओ तो भी अच्छा काम करेगा, काफ़ी मोटा बॉर्डर है इसका, और बहुत सिंपल और सोवर साड़ी है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। बाकी ब्लाउज का आप चाहो तो इसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज बनवा सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा, और गर्ल्स वगैरह के लिए सही है, और इसमें कलर के ऑप्शन भी होंगे, आप लोग ले सकते हो, येलो में किसी के हल्दी हाथ वगैरह में पहननी हो तो ले सकते हो। तो चलो इसको ट्राई करते हैं।
तो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ। खत्म हो गए पार्सल हमारे। सो गाइज आपने देखी ये जो साड़ियाँ थी काफ़ी कम प्राइस में मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए। तो आपको ये कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला हॉल वीडियो मैं आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर लेके आऊँ। होम डेकोर हो गया, बहुत सारे फाइंड्स हैं मीशो पर और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए लेकर आया करूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कॉमेंट करना कि किस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।